हेलो दोस्तों, मैं हूँ हिमांशु और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फन जोन पर। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे यस पे की। एक एप्लीकेशन है जो आपको 20 रुपये फ्री में दे रहा है। आप उसे चाहें तो पेटीएम अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि कैसे वो हमें 20 रुपये दे रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको प्ले स्टोर की तरफ ले चलता हूँ, और उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये रेड कलर का जो बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें, और ये जो बगल में अब घंटा का साइन आया है इस पर भी क्लिक कर दें। इससे क्या होगा, मैं जो जो नए नए वीडियो डालूँगा यूट्यूब पर उसके नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएंगे और आप वीडियो पहले देख पाएंगे। तो दोस्तों, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही टिप्स सप्लाता रहूँगा, ऐसे ही फ़ायदे की बात आपको बताता रहूँगा और साथ में मैं भी फ़ायदा लूँगा। मतलब मुझे भी 20 रुपये मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ही मिलेंगे। मुझे लगा, मैं जानता हूँ तो सोचा आपको बता दूँ। तो दोस्तों, हम लोग चलेंगे सिंपली हम लोग प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में हमें सिंपली लिखना है यस पे। यस पे लिख देना है और हमें सर्च करना है। देखिए, यस पे जैसे ही सर्च होगा, देखिए ये जो आइकन दिख रहा है वॉलेट का, यस पे वॉलेट विथ UPI। तो दोस्तों, इसे हम लोग को सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इसे इंस्टॉल करके रखा हुआ है, आपको भी इसे इंस्टॉल करना है और सिंपली ओपन करना है। लेकिन फ्रेंड्स, एक कंडीशन है इसके लिए। इसका कंडीशन क्या है, आपका मोबाइल नंबर बैंक में रजिस्टर होना चाहिए। देखिए, मैं जैसे ही यस पे को खोलूँगा तो ये कुछ कंडीशन मांगेगा। आपका मोबाइल इसीलिए रजिस्टर होना चाहिए क्योंकि आप मोबाइल को वेरीफाई करता है नंबर को आपके के अकाउंट से कनेक्टेड है या नहीं आपका फ़ोन। अगर आपका फ़ोन कनेक्टेड है तब आपको मिलेंगे 20 रुपये। तो हम लोग ये सब देख सकते हैं। आप रिचार्ज हैं तो रिचार्ज कर सकते हैं, सेंड मनी कर सकते हैं, फास्टर चेकआउट कर सकते हैं, गिफ्टिंग, बहुत सारे ऑप्शन है आपको। तो हम लोग क्रिएट योर वॉलेट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ आपको जो मोबाइल रजिस्टर है वही डालना है, दूसरे नहीं। जैसे मेरा जो फ़ोन रजिस्टर है मैं उसे डाल लेता हूँ। और हमें क्या करना है, सिंपली कंटिन्यू का बटन दिख रहा है आपको ग्रीन कलर में, उस पर क्लिक करना है। और आपको एक OTP मिलेगा, उसे यहाँ आपको डालना पड़ेगा। तो जैसे ही OTP मिलता है मैं यहाँ पे डाल के कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस आपको समझा दूँगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे फ़ोन पे OTP आ गया है, मैं इसे कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ OTP डाल के। तो ये आपको आपको एक पासवर्ड सेट करना पड़ेगा यहाँ, 6 डिजिट का। आप वो चूज कर लीजिए, आपको जो सेट करना है आप वो कर सकते हैं। मैं भी अपना पासवर्ड सेट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड, मैंने अपना पासवर्ड सेट कर लिया है, आप भी कर लेना आपको जो अच्छा लगता हो। और मैं फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस एप्लीकेशन में 2 या 3 4 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा आपको देने पड़ेंगे। और आपको क्या है यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट, आपको ईमेल ID, सही ईमेल ID दीजिएगा। फुल नेम आपको जो बैंक अकाउंट में नाम है वही नाम देना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ भी सही देना पड़ेगा। और मोबाइल सेकेंडरी मोबाइल नंबर भी आप चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है देना पड़ेगा। एड्रेस भी आपको देना पड़ेगा, सिटी सेलेक्ट स्टेट एंड पिन कोड, ये आपको फुलफिल करना पड़ेगा। मैं इसे फुलफिल कर कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊँगा। देखिए फ्रेंड, आपने देखा मैंने अपना सब कुछ भर लिया है और मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा सिंपली। अब कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, जस्ट सेलेक्ट क्वेश्चन और उसके आंसर देने हैं। व्हाट इज सिटी और टाउन एज, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट पेट, व्हाट इज योर चाइल्डहुड नेम, कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे पूछ रहा है यूनिवर्सिटी द जो नियरेस्ट सिबलिंग लिव, यस और नो, ये सब आपको चूज करना है कोई भी, और इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। मैं जैसे इस पर व्हाट योर चाइल्डहुड नेम पे क्लिक कर देता हूँ, और आपका चाइल्डहुड का नाम क्या है वो डाल देना है आपको। जैसे मैं अपना डाल लेता हूँ,
तो जैसा कि देखा आपने फ्रेंड, मैंने तीनों क्वेश्चन सिलेक्ट किए और तीनों के नाम भर दिए। आप कोई भी क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक टाइप का क्वेश्चन नहीं होता होना चाहिए। अगर एक टाइप का क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे ये कंटिन्यू पे क्लिक भी होगा तो ये कुछ प्रॉब्लम देगा, इसलिए तीनों अलग अलग क्वेश्चन सेट करना। और इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा बोलना लिखना नहीं होता है, आप जो इच्छा है वो लिख सकते हो। और हमें कंटिन्यू पे सिंपली क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर नेक्स्ट पेज खुलेगा, उसे में जैसे देखिए आप इस पे हो गए हैं, आ गए हैं। तो उसके बाद आपको सिंपली अब थैंक यू योर वॉलेट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो ये देखिए मुझे एक मैसेज आ गया है इसके तरफ से, और एक मेल भी वेरिफिकेशन के लिए आ गया है, तो हमें उसे वेरीफाई करना होगा। तो मैं अब यहाँ देखिए, मैं यहाँ कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक करूँगा। इनवाइट फ्रेंड इन ज्वाइनर, आपको ये स्किप कर देना है और आपको पासकोड डालना है वो जो आपने बनाया था। तो मैं अपना डाल देता हूँ। तो फ्रेंड मैंने अपने पासकोड डाल दिया जो मैंने 6 डिजिट का पहले बनाया था। अब सिंपली फिर से हमें गो पे क्लिक करना होगा। और देखिए यहाँ पे ये कोई बैलेंस नहीं दे रहा है, तो हम लोग को निकनेम फुल और रजिस्टर UPI सिंपली हम लोगों को क्या करना है, या देखिए रजिस्टर पूरी बाई गेट निकनेम फॉर ऑल ऑफ योर अकाउंट। आपको सिंपली UPI जहाँ लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको 2 सिम का जैसे ये सेंड विल बी सेंड योर डिवाइस रजिस्ट्रेशन यू UPI UPI से आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो इसे हमें कन्फर्म पे क्लिक करना है। आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, आप जो भी सिम यूज कर रहे हो वो सिम 1 में लगाना होता है। जैसे ऐसे तो सिम 1 सिम 2 का ऑप्शन देता है, लेकिन अगर आपका फ़ोन सिम 1 में नहीं लगा हुआ है तो थोड़ा प्रॉब्लम देता है, इसलिए हम सिम 1 को सिलेक्ट कर लेंगे सिंपली। तो और देखिए सेंट एस एम एस सक्सेसफुली, प्लीज़ विजिट सेक्शन रिसेप्शन थ्रू SMS। और मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, देखिए मुझे एक मैसेज आया है, आप सक्सेसफुली यहाँ पे आपने लॉग इन कर लिया है। तो हम लोग को सिंपली यहाँ पे आना है और उसके बाद हमें 20 रुपये मिल जाएंगे। तो दोस्तों सिंपली हमको UPI रजिस्ट्रेशन रजिस्टर फॉर UPI गेट अ निकनेम ऑफ ऑल योर अकाउंट, तो सिंपली हमें इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए ये मेरा क्या पूछ रहा है, यूजर नेम वर्चुअल एड्रेस। तो वर्चुअल एड्रेस में आप अपना नाम ही डाल दीजिए, वो अच्छा रहेगा क्योंकि आपको याद रहेगा वो चीज़ जो याद रहना चाहिए। तो मैं अपना नाम डाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स आपने देखा जैसे कि मैंने अपना नाम डाल दिया है, अपना इनाम ही डाल दिया है। आप कुछ भी डाल सकते हैं और आपको चेक एबिलिटी पे क्लिक करना पड़ेगा। ये एबिलिटी देखेगा इस नाम का है या नहीं, अगर नहीं होगा तो आपको चेंज करना पड़ेगा। देखिए दिस नेम इज अवेलेबल, और हमें सिंपली से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा क्या होने वाला है। और आपको जो बैंक है वो बैंक को सिलेक्ट करना है बस, उसके बाद आपका ऑटोमेटिक ये बैंक का अकाउंट नंबर डिटेक्ट कर लेता है, आपको इसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिक है ये खुद ब खुद। देखिए जैसे मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये ऑटोमेटिक अपना ये ले लेगा मेरे बैंक का अकाउंट नंबर। देखिए मेरे बैंक का अकाउंट नंबर IFSC कोड हो गया। अब इस पर हमें बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर देना है वही जो आपने पहले दिया था उसी टाइप का सिक्योरिटी क्वेश्चन है, फिर से आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। तो जैसे व्हाट इज़ योर चाइल्डहुड निकनेम, या व्हाट इज़ योर नेम ऑफ योर फेवरेट चाइल्डहुड, जैसे मैं अपने फेवरेट चाइल्डहुड फ्रेंड का नाम डाल देता हूँ। आप कुछ भी यहाँ पे नाम की जगह कुछ भी डाल सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि वही डालना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, मैंने दूसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन ट्राई कर लिया, व्हाट इज़ योर फेवरेट टीम, तो मैंने इंडिया डाल दिया। और यहाँ से मैं सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप खुद देख लीजिए क्या होता है यहाँ पे। देखिए कॉन्ग्रेचुलेसन योर UPI रजिस्टर्ड विथ वर्चुअल एड्रेस इतना द ग्रेट यस बैंक इज कम्प्लीटेड।
तो हमें अब सिंपली यहाँ से UPI मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं। अगर नहीं जाना तो हमें बैक ले सकते हैं, तो यहाँ से आइए हम बैक ले लेते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, और ये देखिए आप देख पा रहे हैं मेरे अकाउंट 20 रुपये आ गए हैं इस बैंक अकाउंट में। अगर आप चाहें तो मनी भेज सकते हैं आप अपने बैंक अकाउंट में, या आप चाहे रिचार्ज कर सकते हैं, या आपको जो इच्छा हो वो कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो? अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो पहले से हैं उनका स्वागत है। अगर आपका कोई सुझाव मेरे लिए हुए तो आप अपना सुझाव दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स लाइक और शेयर तो बनता है इस वीडियो को, तो थैंक यू फ्रेंड्स, ज़रूर सब्सक्राइब किए मेरे चैनल को। फिर मैं आपके लिए कल एक ऐसा ही वीडियो लेकर आऊँगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और पैसे भी मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।